चार्टर्ड अकाउंटेंट्स यानी CAs बिजनेस वर्ल्ड के फाइनेंशियल डॉक्टर्स होते हैं। ये प्रोफेशनल्स अपनी एक्सपर्टीज से बिजनेस को फाइनेंशियली हेल्थी रखने में मदद करते हैं। बिजनेस कंपनीज और इकोनॉमिक की फाइनेंशियल हेल्थ अच्छी रहे, इसमें इनका बहुत बड़ा रोल होता है। ये लोग फाइनेंशियली डाटा को एनालाइज करके कंपनीज को सही फाइनेंशियल डिसीजन लेने में गाइड करते हैं। जैसे डॉक्टर्स हमारी बॉडी को हेल्थी रखते हैं, वैसे ही CAs फाइनेंशियल सिस्टम को स्मूथली चलाते हैं। उनका काम स्टेबिलिटी और ग्रोथ को इंश्योर करना होता है। वो ट्रस्टेड एडवाइजरी नंबर क्रंचर्स और फाइनेंशियल इंटीग्रिटी के रखवाले होते हैं। इनका काम फाइनेंशियली ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी को मेंटेन करना होता है। इंडिया में CAs बहुत रिस्पेक्टेड प्रोफेशनल्स होते हैं, जो देश की इकोनॉमिक लैंडस्केप को शेप करने में इम्पोर्टेंट रोल निभाते हैं। ये लोग देश की फाइनेंशियल पॉलिसीज और रेगुलेशन को इन्फ्लुएंस करते हैं। CAs के पास अकाउंटिंग, ऑडिटिंग, टैक्सेशन और फाइनेंशियल मैनेजमेंट जैसे एरियाज में स्पेशलाइज्ड नॉलेज और स्किल्स होती है। ये लोग फाइनेंशियल रिकॉर्ड को एक्यूरेटली मेंटेन करते हैं और टैक्स कंप्लाइंस को इंश्योर करते हैं। वो अपनी एक्सपर्टीज से बिजनेस को सही फाइनेंशियल डिसीजन लेने में गाइड करते हैं। इनका काम बिजनेसेस को फाइनेंशियल रिस्क से बचाना और उन्हें प्रॉफिटेबल बनाने में मदद करना होता है। उनका काम ये इंश्योर करता है कि कंपनीज फाइनेंशियल रेगुलेशन को फॉलो करें, ये पैशन को इफ़िशेंसली मैनेज करें और सही इन्वेस्टमेंट करें। ये लोग फाइनेंशियल प्लानिंग और स्ट्रेटजी में भी बिजनेस को असिस्ट करते हैं। CAs के बिना फाइनेंशियल वर्ल्ड बहुत ज़्यादा चकोटिक और रिस्की होता है। इनकी प्रेजेंस से फाइनेंशियल स्टेबिलिटी और ग्रोथ को इंश्योर किया जाता है। एक चार्टर्ड अकाउंटेंट का रोल मल्टीफेसेड और डायनामिक होता है। उनका काम सिर्फ एक अकाउंटेंट तक सीमित नहीं होता, बल्कि वो बिजनेस के हर एस्पेक्ट में अपना योगदान देते हैं। वो कंपनी के फाइनेंशियल ऑपरेशन के कई एस्पेक्ट में इन्वॉल्व होते हैं, जैसे कि एडवाइजरी एनालिस्ट और स्ट्रेटजिस्ट। उनका काम बिजनेस के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। एक CA की रिस्पॉन्सिबिलिटी में फाइनेंशियल मैनेजमेंट, टैक्स एडवाइजरी, ऑडिटिंग और फाइनेंशियल रेगुलेशन को कंप्लाइंस इंश्योर करना शामिल है। ये सभी चीज़ें बिजनेस के स्मूथ फंक्शनिंग के लिए ज़रूरी है। फाइनेंशियल मैनेजमेंट में CAs फाइनेंशियल डाटा को एनालाइज करते हैं, बजट्स प्रिपेयर करते हैं और बिजनेस को इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजीज पर एडवाइस करते हैं। ये सभी चीज़ें बिजनेस के ग्रोथ के लिए बहुत ज़रूरी है। टैक्स एडवाइजरी के रूप में CAs बिजनेस को कॉम्प्लेक्स टैक्स लॉज को समझाने और फॉलो करने में मदद करते हैं। ये काम बहुत ही टेक्निकल होता है और इसमें बहुत ही एक्सपर्टीज की ज़रूरत होती है। वो टैक्स प्लानिंग, टैक्स रिटर्न्स फाइल करने और टैक्स लाइबिलिटीज़ को कम करने में असिस्ट करते हैं। ये सभी चीज़ें बिजनेस के लिए फाइनेंशियल बर्डन को कम करने की मदद करती है। ऑडिटिंग भी एक CA के रोल का इम्पोर्टेंट पार्ट है। ऑडिटिंग के बिना बिजनेस के फाइनेंशियल रिकॉर्ड को एक्यूरेसी और ट्रांसपेरेंसी इंश्योर नहीं किया जा सकता। वो कंपनी के फाइनेंशियल रिकॉर्ड की इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन करते हैं ताकि एक्यूरेसी, ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स का कंप्लाइंस इंश्योर हो सके। ये सभी चीज़ें बिजनेस के लिए ट्रस्ट और क्रेडिबिलिटी बनाने में मदद करती है। इंडिया में चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना एक चैलेंजिंग लेकिन रिवॉर्डिंग जर्नी है। इसके लिए डेडिकेशन, मेहनत और नंबर्स के लिए स्ट्रॉन्ग एप्टीट्यूड की ज़रूरत होती है। द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंसी ऑफ इंडिया यानी ICAI CA प्रोफेशन को रेगुलेट करता है और एग्जामिनेशन और क्वालिफिकेशन स्टैंडर्ड्स सेट करता है। CA बनने का सफ़र अलग अलग स्टेज में स्ट्रक्चर्ड है। हर स्टेज पिछले स्टेज पर बिल्ड करता है। ये फाउंडेशन कोर्स से शुरू होता है, फिर इंटरमीडिएट कोर्स, फिर आर्टिकलशिप के नाम से जाना जाने वाला एक प्रैक्टिकल ट्रेनिंग पीरियड और एंड में फाइनल एग्ज़ाम। CA बनने की तरफ पहला कदम फाउंडेशन कोर्स एग्जामिनेशन क्लियर करना है। ये कोर्स उन स्टूडेंट के लिए है जिन्होंने अपना 10+2 यानी इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन कंप्लीट कर लिया है। ये स्टूडेंट को अकाउंटिंग, इकोनॉमीज, बिजनेस लॉ और बिजनेस मैथमेटिक के फंडामेंटल कॉन्सेप्ट से रूबरू कराता है। फाउंडेशन कोर्स आगे के स्टेज में कवर किया जाने वाला एडवांस कॉन्सेप्ट के लिए ग्राउंड वर्क ले करता है। ये स्टूडेंट को फाइनेंशियल स्टेटमेंट, बिजनेस ट्रांजेक्शन और लीगल फ्रेमवर्क को समझने के लिए बेसिक नॉलेज और स्किल्स सिखाता है। ये स्टेज स्टूडेंट को अकाउंटिंग और फाइनेंस के कोर प्रिंसिपल्स में स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन डेवलप करने में मदद करता है।
और ऊपर चढ़ते हुए द इंटरमीडिएट कोर्स फाउंडेशन कोर्स क्लियर करने के बाद एस्पायरिंग सीएस इंटरमीडिएट कोर्स में आगे बढ़ते हैं। ये एक नया और चैलेंजिंग फेस होता है जो उन्हें प्रोफेशनल वर्ल्ड के और करीब ले जाता है। ये स्टेज अकाउंटिंग, टैक्सेशन, ऑडिटिंग और कॉरपोरेट लॉ की गहराइयों में ले जाता है। हर सब्जेक्ट का अपना एक अलग इम्पोर्टेंस होता है जो स्टूडेंट को एक वेल राउंडेड प्रोफेशनल से बनाता है। इसमें दो ग्रुप्स हैं और स्टूडेंट को अगले लेवल पर जाने के लिए दोनों ग्रुप्स को क्लियर करना होता है। हर ग्रुप में मल्टीपल सब्जेक्ट्स होते हैं जो एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड होते हैं। इंटरमीडिएट कोर्स के लिए हायर लेवल की अंडरस्टैंडिंग और एनालिटिकल स्किल्स की ज़रूरत होती है। ये स्किल्स उन्हें कॉम्प्लेक्स फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में मदद करते हैं। स्टूडेंट थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट को प्रैक्टिकल सिनेरियोज में अप्लाई करना, फाइनेंशियल डाटा का एनालाइज करना और कॉम्प्लेक्स अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को इंटरप्रेट करना सिखाता है। ये सब उन्हें रियल वर्ल्ड सिचुएशंस के लिए तैयार करता है। ये स्टेज स्टूडेंट को उन प्रैक्टिकल चैलेंज के लिए प्रिपेयर करता है जो उन्हें अपने आर्टिकल और प्रोफेशनल करियर में फेस करने होते हैं। इस तरह इंटरमीडिएट कोर्स उनके करियर का एक इम्पोर्टेंट माइलस्टोन बन जाता है। रियल वर्ल्ड एक्सपीरियंस द आर्टिकलशिप। आर्टिकल सीए करिकुलम का एक यूनिक और क्रूशियल कंपोनेंट है। इंटरमीडिएट कोर्स का एक या दोनों ग्रुप को क्लियर करने के बाद स्टूडेंट की एक प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट की गाइडेंस में 3 साल का प्रैक्टिकल ट्रेनिंग पीरियड से गुजरते हैं। इस पीरियड के दौरान स्टूडेंट अकाउंटिंग, ऑडिटिंग, टैक्सेशन और फाइनेंशियल मैनेजमेंट का वेरियस एरियाज में हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस गेन करते हैं। वो रियल वर्ल्ड असाइनमेंट्स पर काम करते हैं, क्लाइंट के साथ इंटरेक्ट करते हैं और थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट की प्रैक्टिकल एप्लीकेशन की डीप अंडरस्टैंडिंग डेवलप करते हैं। आर्टिकलशिप थ्योरेटिकल नॉलेज और प्रैक्टिकल स्किल्स के बीच का गैप ब्रिज करता है। स्टूडेंट्स को प्रोफेशन की डिमांड्स के लिए प्रिपेयर करता है। सीए बनने की जर्नी में आखिर हार्डल फाइनल एग्ज़ाम क्लियर करना है। ये एग्जामिनेशन 2 ग्रुप्स में कंडक्ट किया जाता है और स्टूडेंट को अकाउंटिंग, ऑडिटिंग, टैक्सेशन, फिनेंशियल रिपोर्टिंग और प्रोफेशनल एथिक्स की कंपेरेंसिव अंडरस्टैंडिंग पर टेस्ट करता है। फाइनल एग्जामिनेशन रिगोरस और डिपेंडिंग होता है जिसके लिए स्टूडेंट को सब्जेक्ट मैटर पर अपनी मास्टरी डिमॉन्स्ट्रेटिव करनी होती है। ये उनकी एबिलिटी को असेस करता है कि वो कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए अपने नॉलेज को कैसे अप्लाई करते हैं, इन्फॉर्म जजमेंट कैसे लेते हैं और साउंड फाइनेंशियल एडवाइस कैसे देते हैं। फाइनल एग्जामिनेशन के दोनों ग्रुप को सक्सेसफुल क्लियर करने पर कैंडिडेट को चार्टर्ड अकाउंटेंट का प्रेस्टिजियस टाइटल दिया जाता है। चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने से वेरियस सेक्टर में करियर अपॉर्चुनिटीज़ के कई रास्ते खुल जाते हैं। पब्लिक और प्राइवेट दोनों सेक्टर्स में सीएस की बहुत डिमांड होती है, जहां रोल्स एनालिस्टिक से लेकर सीईओज तक होते हैं। कॉरपोरेट वर्ल्ड में सीएस फाइनेंस डिपार्टमेंट में की पोजीशन होल्ड करते हैं, जहां वो फाइनेंशियल प्लानिंग, एनालिसिस, रिपोर्टिंग और रिस्क मैनेजमेंट हैंडल करते हैं। वो स्ट्रेटेजिक डिसीजन मेकिंग में वित्तल रोल निभाते हैं, अपनी ऑर्गेनाइजेशन की फाइनेंशियल वेलबींग इंश्योर करते हैं। कई सीएस अपना प्राइवेट सेक्टर स्टार्ट करना चूज करते हैं, जहां वो बिजनेस और इंडिविजुअल को अकाउंटिंग, ऑडिटिंग, टैक्सेशन और फाइनेंशियल एडवाइजरी सर्विस ऑफर करते हैं। इंडिया में चार्टर्ड अकाउंटेंट की क्वालिफिकेशन ग्लोबली रिकॉग्नाइज है, जैसे इंटरनेशनल करियर अपॉर्चुनिटीज़ के दरवाजे खुल जाते हैं। सीए कोर्स के दौरान एक्यूर्ड नॉलेज और स्किल्स हाईली ट्रांसफरेबल है, जिससे इंडियन सीएस वर्ल्ड वाइड सॉट आफ्टर प्रोफेशनल्स बन जाते हैं। कई मल्टीनेशनल कंपनीज इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, टैक्सेशन और बिजनेस प्रैक्टिस में एक्सपर्टीज के लिए इंडियन सीएस को सिक करती है। सीएस एब्रॉड में वेरियस रोल्स में काम कर सकते हैं, जिनमें ऑडिटिंग, कंसल्टिंग, फाइनेंशियल एनालिसिस और मैनेजमेंट शामिल है, जो उन्हें वर्सेटाइल बनाता है। चार्टर्ड अकाउंटेंट के रूप में करियर चूज करना चैलेंज, लर्निंग और ग्रोथ से भरी पैथ चूज करना है। ये एक ऐसा प्रोफेशन है जिसके लिए इंटीग्रिटी, एनालिटिकल थिंकिंग और एक्सलेंस के लिए कमिटमेंट की जरूरत होती है। सीएज
इंडिया और उससे परे की फाइनेंशियल लैंडस्केप को शेप करने में वित्तल रोल निभाते हैं। उनकी एक्सपर्टीज फाइनेंशियल ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी और स्टेबिलिटी इंश्योर करती है। जैसे जैसे बिजनेस वर्ल्ड इवोल्व होगा, स्किल सीएस की डिमांड बढ़ती रहेगी, जिससे ये एस्पायरिंग फाइनेंस प्रोफेशनल्स के लिए एक प्रॉमिसिंग और रिवॉर्डिंग करियर चॉइस बनेगा। तो थैंक यू दोस्तों, मैंने आज बात की है चार्टर्ड अकाउंटेंट यानी सीएस के बारे में। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो या आपको कोई भी डाउट आता है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। आपको नेक्स्ट वीडियो और किस टॉपिक पर चाहिए वो भी मुझे कमेंट में बता दीजिएगा, मैं जल्द से जल्द उस टॉपिक पर वीडियो लेके आऊँगा। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।